हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस करो हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस ये वीडियो न्यूज़ मतलब अफगानिस्तान के जो अभी हालात चल रहे हैं उसके रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो टाइटल देख लीजिए, अफगानिस्तान टर्मोइल नो क्लैशेस रिपोर्टेड इन पानशीर वैली सिंस लास्ट नाइट। जो तालिबान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के बीच में हो रहा है, मिलिट्री के बीच में हो रहा है, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कुछ हिस्सों को छोड़कर अपने कब्जे में कर लिया है कुछ ही दिनों में। तो जैसा कि देख सकते हैं और अभी भी अफगानिस्तान के सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा ही पार्ट है अफगानिस्तान का जो पंजशीर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही तालिबान पहले भी कभी भी कब्ज़ा नहीं कर पाए और अभी भी वो लोग कब्ज़ा नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न मैं बताता हूँ गाइस, क्योंकि पंजशीर एक ऐसा जगह है जो काबुल मतलब उनके कैपिटल से 150 किलोमीटर दूर है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और इस इलाके में घुसने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा जो तालिबान के पास है, वो है पंजशीर जो रिवर है उसके ऊपर से या साइड से जाना पड़ेगा। मामला क्या है कि वहाँ से उन लोगों को डिफेंड करने में बहुत ही ईजी होता है, मतलब तालिबान को मतलब जो अटैक करेंगे ना अफगानिस्तान के सोल्जर्स उन लोगों का प्लस पॉइंट और तालिबान के लिए माइनस पॉइंट हो रहा है, वो लोग ठीक से अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफेंड वहाँ से बहुत ही अच्छे से होता है। इसीलिए अभी तक मतलब कोई भी फायरिंग नहीं हुआ है, जैसा कि देख सकते कल रात से अभी तक कुछ भी क्लैशेस नहीं हुआ दोनों पार्टी के बीच में। आगे हालत ठीक रहे यही हमारे आशय। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे अगली वीडियो पर गाइस।